अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल, देख रहे हैं शेफ 21 ऑन के 21 न्यूज। बना रहे हैं बहुत ही खास चिकन पराठा रोल, उसकी जानिब चलते हैं और इंशाल्लाह इन द एंड हम एंजॉय करेंगे वेरी वेरी स्पेशल ओरिजिनल ट्रस्ट कोका कोला, कोका कोला के साथ इसे बिल्कुल एंजॉय करेंगे। और मज़ा आता है जब आप कोका कोला के साथ फूड एंजॉय कर रहे हो, इसका आई थिंक अपना ही मज़ा, चाहे मेन डिश हो, पुलाव हो, चाय हो, बिरयानी। ठीक है जी, तो ये थी बात, चिकन पराठा रोल बना रहे हैं जी, और पराठे का क्रिस्पी खस्ता होना लाजमी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिस्पी और एकदम खस्ता पराठे मौजूद हैं। आटा गूंथते हुए इसमें हमने दूध और अंडा ऐड किया था, जिससे काफी खस्ता और मजे का बनते हैं। ठीक है जी, पराठे हो गए, बाकी चीजें आप देखते रहेंगे, लेकिन प्रोसेस का करते हैं आगाज। पराठे तैयार हैं, चिकन का मसाला बना रहे हैं, इसके लिए ऑयल ऐड करें लगभग 2 से 3 चम्मच, 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल। चिकन हमने जूलियन काट लिया जी लंबाई में, ऑयल के साथ ही ऐड करते हैं इसमें लहसुन अदरक। अच्छा ये कीजिएगा कि बजाय आप डायरेक्टली ऐड करें, इस बाउल के अंदर बोनलेस चिकन इसी के अंदर अदरक लहसुन मिला रहे हैं, 1 और 2 चम्मच मिलाकर जरा मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब ये चिकन ऐड करेंगे हमारे इस पॉट के अंदर, लेकिन अच्छे से गर्म होने दीजिए, फिर बाकी दीगर अज्जा भी प्रोसेस जा रही है, लाइव मौजूद है उनके 21 न्यूज। 5, 4, 3, 2 and 1 ठीक है दोस्तों, चिकन पराठा रोल एक जानी, खस्ता क्रिस्पी पराठे मौजूद हैं, यहाँ चिकन की हो रही बुनाई, टॉस इट वेल। बाकी दीगर इंग्रेडिएंट्स में इसमें हमें दही मिलाना है जी, और मक्खन ऐड करना है, मेयोनीज ऐड करेंगे, स्पाइसेस में लाल मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद मिर्च और सूखी मेथी ऐड करनी है, वेजिटेबल जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, सभी कुछ ऐड करना है। ठीक है जी, तो यहाँ मौजूद है एंड वी आर शेयरिंग द रेसिपी ऑफ चिकन पराठा रोल। देख रहे हैं जी किस तरह जैसे जैसे पकता जा रहा है, एक तरह से मीट फूलता जा रहा है। ठीक है जी, तेज आंच पर प्रोसेस जारी रखिएगा। इसके साथ ही कुछ वेजिटेबल भी काट लेते हैं, 2 प्याज छील लेते हैं, पील ऑफ करते हैं। जनाब प्याज के बहुत फायदे हैं, बहुत से लोगों का जिनका पेट बहुत हार्ड हो रहा होता है, फूड हजम नहीं होता, कहते हैं उनको भी प्याज खानी चाहिए, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए, जो ये कोविड का जमाना है, कोरोना का सीजन, इसमें इम्यून सिस्टम की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो प्याज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, प्याज खाना चाहिए। दोनों चीज़ें कोविड से लड़ने के लिए, बाकी बीमारियों से लड़ने के लिए, दिमागी तौर पे आपका मजबूत होना ज़रूरी है, सेम ही आपकी जिस्म के अंदर जान होनी ज़रूरी है, तो वो जान इन चीज़ों से ही आती है जो आप डाइट का हिस्सा बनाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। दोनों चीजें मिलने के बाद ही आप आसानी से मुकाबला कर पाते हैं बीमारियों का। तो अगेन अनियन वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ, और यहां पे मीट चिकन की बुनाई करें, सोते करें। अब जरा आई वुड लाइक, जरा आप देखें कि सफेद हल्का सा पिंकिश कलर होता है चिकन का, पकने के बाद व्हाइट हुई, अब ऐसा इसका गोल्डन होना शुरू हो चुकी है,
गोल्डन नहीं करना, ज्यादा पकाना नहीं है, हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। सख्त होने से पहले दही मिला लेते हैं। दो सौ पचास ग्राम दही। रुखसाना जैदी मौजूद हैं, बहुत दिनों के बाद बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। इतने दिनों से कहाँ हैं आप? बस थोड़ा हो गई देर करने में कॉल। क्या? बस थोड़ा सा हो गई गफलत कॉल करने में। वैसे प्रोग्राम तो आपके देखते हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त आपका स्टूडियो, बेहतरीन सब, बहुत अच्छा। और आज की रेसिपी मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा आपको कॉल कर ही लूं। नहीं, हमें इंतजार था, बल्कि हुमा जो हमारी कॉलर हैं, उन्होंने भी आपका पूछा कि पूछे नुकसान जैदी जी आ नहीं रही महफिल में। उनका शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया उनका, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके कॉलर हम एक दूसरे से लिंक और जुड़े। नहीं देखें, बात ये है कि ये आपकी शख्सियत का असर है कि लोगों को याद है। देखें ना, क्या ख्याल है? ये तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग मतलब याद करते हैं। ये अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि यानी अच्छे लोग हैं आपके सारे कॉलर्स भी, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। जी जी, और आपकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि अभी आप इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे कि प्याज वाकई मुख्तलिफ चीजों में जरासीम मारती है, तो नज़ला जुकाम खांसी इन चीजों के लिए भी फायदेमंद होती है। और ऊपर से भी कोविड के हवाले से जैसे आपने बात की, तो प्रोटीन और ये प्याज ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज आप दोनों ही चीजों के साथ मिला के एक बेहतरीन बना रहे हैं। क्या बात है, देखें आपकी डॉक्टर फैमिली और आपका कहना तो इस बात को और ज्यादा मजबूत बना देता है कि ये चीजें खानी चाहिए। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह, खुश रहें, खुश रहें। थैंक यू। रुखसाना जैदी जी मौजूद रही, उन्होंने भी, इनकी डॉक्टर फैमिली है जी माशाल्लाह, इनकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, इनका भी कहना है कि प्याज खानी चाहिए, कोविड के ज़माने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऑयल में अदरक लहसुन, अच्छा ऑयल में चिकन ऐड किया जिसमें अदरक लहसुन मिला लिया था, दही ऐड किया, नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च पिसी हुई एक चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च ज़रा सी, गर्म मसाला, सूखी मेथी एक साथ ऐड नहीं करना, काफ़ी देर के बाद ऐड करना है, मिक्स इट वेल, अच्छे से पकाना, ज़रा इसको ड्राई करना है। पराठा रोल बना रहे हैं, प्याज काट चुके हैं, शिमला मिर्च यहाँ पे मौजूद है, शिमला मिर्च भी काट लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह काट कर इसको भी इसी तरह जूलियन कर लीजिए। और रमज़ान की आमद मेरे ख्याल से अब एग्जैक्टली एक महीना है, फिर वही अफ्तार की रौनक है, सहरी की रौनक है, और दुआओं की दरख्वास्त है कि इस दफ़ा रमज़ान बेहतर हो, गुज़श्ता साल से बेहतर हो, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले महीनों के लिए दुआएं, सेहत के लिए, सबके लिए कोशिश करनी हमें, बेहतर हो सारी चीज़ें। प्रोसेस यहाँ जारी है, प्याज, शिमला मिर्च, कुछ टमाटर भी काट लेते हैं जी, इसके भी चार पीस किए, सीडलेस कर लेते हैं, बीज से अलहदा कर लेते हैं। अच्छा जी, सब्जियां ज़्यादा देर ऐड नहीं करना, बिल्कुल आखिर में ऐड करेंगे, इसको मिलाएंगे, फिर पराठा की रेसिपी मौजूद है, इसको पराठे करने हैं तैयार। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद सफ़र जारी रखेंगे और इसे इंजॉय करेंगे जी, वेरी वेरी स्पेशल कोका कोला, ओरिजिनल टेस्ट कोका कोला के साथ। अच्छा, सिर्फ अनियन ऐड कर रहे हैं जी, ठीक है जी, चलते हैं वक्फे की जानिब।
वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम। खुशामदीद। कोका कोला ओरिजिनल ट्वेस्ट, उसका अपना ही मजा, चाहे पराठा रोल, बिरयानी, चाहे वो पुलाव, इसके साथ एंजॉय करेंगे। प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। पराठा रोल तैयार हो गए, जो एंजॉय करेंगे हम कोक के साथ। क्रिस्पी पराठा यहाँ रखा, ठीक है जी। क्रिस्पी पराठा हमने यहाँ रखा और इसके साथ ही हम मेयोनीज इस तरह अप्लाई करना आपने, हल्का सा मेयोनीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे, हल्का सा मेयोनीज। और ये सब्जियाँ थी वैसे ही मैंने अंदर ऐड करें जी, प्याज, शिमला मिर्च और ये टमाटर भी आखिर में। हल्का सा गरम मसाला पाउडर, सूखी मेथी आधा चम्मच, आखिर में इसी चिकन के अंदर मिक्स किया। और ये देखें जी, एकदम चटपटा। चूल्हा किया बंद, जरा सी कैबेज भी काट लेते हैं। दोस्तों ये पराठे के ऊपर मेयोनीज रखा, इस पर कुछ कैबेज इस तरह आपने बिछा ली, उसके बाद चिकन का मसाला, उसके बाद मेयोनीज इस तरह ऊपर सेट कीजिएगा और हल्का सा चाट मसाला, उसके बाद रोल यहाँ तक लाए और फिर फोल्ड कर लें, एजेस इसके बंद कर लें। एक तरफ से हम आपको दिखाएंगे इसकी प्रेजेंटेशन भी। तो फिर काट करें, ठीक है जी। बटर पेपर, उसके ऊपर ये क्रिस्पी पराठा, हल्का सा आपने अप्लाई करना है यहाँ पे मेयोनीज, ताकि जरा जूसी पन है, लेकिन मेक श्योर अच्छे ब्रांड का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ये बहुत ज्यादा अहम चीज है, ठीक है जी। कुछ कैबेज, चिकन का मसाला, ठीक है जी। ये ज्यादा है का मर्जी से आप कर सकते हैं, इतना हल्का सा मेयोनीज, जितना आप ऐड करना चाहें मर्जी आप। इस तरफ से जरा हमने खुला रखा, फिर से जी क्रिस्पी पराठा, कुछ कैबेज, मेयोनीज अप्लाई करना है पराठे पे, चिकन का मसाला, एक तरफ से खुला आपको नजर आएगा, देखें इसका प्रेजेंटेशन अंदर,
ठीक है जी, कुछ और बना लेते हैं, बल्कि कुछ आप चाहें तो एज इट इज भी रख लेते हैं ताकि आपको जरा आइडिया हो। जरा सा मेयोनीज अप्लाई किया इस पे, पराठे पे, कैबेज, बंद गोभी, सैलेड लीफ भी रख सकते हैं, आइसबर्ग भी, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। और उसके बाद ये चिकन का मसाला, और उसके बाद फोल्ड कर लीजिए, चाहे तो इसको बीच से दो पीस भी कर सकते हैं। और ये देखना है जी, बल्कि मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह, एक और अगर पराठा है तो। हल्का सा मेयोनीज, कैबेज, ये जरा क्रिस्पी बनाया था हमने, ठीक है दोस्तों। ये कुछ ऐसे भी रखे हैं, और ये पराठा रोल हमारे हो चुके हैं तैयार। और इसके साथ ही एक लस्सी की रेसिपी शेयर करनी है, तो टू वर्ड्स लस्सी चल रहे हैं, अगर ब्रेक नहीं है तो चलते हैं, या फिर ब्रेक के बाद बाकी चीजों को रिमूव कर लेते हैं जी। पराठा रोल हमारा हो चुका है तैयार, एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद सफर रखेंगे जारी, एंड वी विल शेयर द रेसिपी ऑफ लस्सी, और इसे पराठा रोल को एंजॉय करेंगे, बहुत ही खास, वेरी 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 स्पेशल कोको कोला द ओरिजिनल टेस्ट। वेलकम बैक टू अवर शो दोस्तों, ये हमारा बहुत खास चिकन पराठा रोल तैयार हो चुका है, एंजॉय करेंगे बिल्कुल कोको कोला द ओरिजिनल टेस्ट, ठीक है जी। साथ ही एक बेवरेज में लस्सी बना रहे हैं, और बहुत से लोग बनाते हैं रमजान में भी, शब मेराज है, आप सबको मुबारक हो बहुत बहुत, तो ड्रिंक्स ज़ाहिर बनती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप सिंपल लस्सी बना रहे हैं, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो इसके इंग्रेडिएंट देखें, बल्कि आई वुड लाइक है ज़रा आप ये भी चेक करेंगे जो हमने आपके लिए पराठा रोल तैयार किया है। कोशिश कीजिए से ज़्यादा देर रखिएगा नहीं, गर्म गर्म खाइएगा, क्योंकि ज़रा कुछ देर भी रख लें हवा लगे, ड्राई होता है तो उसका वो फ्लेवर नहीं होता। माइक्रो ओवन में आप चाहें तो गर्म कर सकते हैं, सेट हो जाएगा। बेक टू दी लस्सी, लस्सी तैयार करने के लिए सिंपल हमारे पास दही है, फ्रेश योगर्ट, प्रोटीन, साथ ही फ्रेश मिल्क, दूध, इक्वल क्वांटिटी, कुछ लोग दही ज्यादा ऐड करते हैं, कुछ दूध, मेरा ख्याल है कि दूध ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दही ज़्यादा चल सकता है, दूध ज़्यादा नहीं। चीनी ऐड की,
चार चम्मच। और लस्सी का जो टॉप सीक्रेट ही कि इसको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा देर बीट करना होता है, फेंटना होता है, जिस तरह आपने देखा होगा बाहर भी, और उससे एक झाग बनती है, फ्लेवर आता है इसका, टेक्सचर कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाता है। वो इंग्रेडिएंट से नहीं होता, वो बीट करने से होता है, फेंटने से। देख लेते हैं टेक्सचर इसका, मजेदार लेकिन जरा और जरा और। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। तो जी दोस्तों, ये लस्सी हमारी निकालते हो, जरा देखें थिक सा आपको टेक्सचर का फील होगा, और लेकिन मजेदार। ओहो, एक इंच आप रखें ऊपर खाली। ठीक है जी, चिकन पराठा रोल, लस्सी और साथ ही कोका कोला ओरिजिनल टेस्ट। इंशाल्लाह इसके साथ एंजॉय करेंगे कोका कोला और चिकन पराठा रोल। आपसे लेने इजाजत, खुश रहें, शादो आबाद रहें, शब-ए-मेराज आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।